इन्फेक्शन के शिकार हैं? क्या आपका पेट साफ नहीं रहता? क्या आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत काफी लंबे समय से है? क्या कॉन्स्टिपेशन के कारण आपके पेट में दर्द रहता है, घबराहट होती है? अगर ऐसा है तो कॉन्स्टिपेशन से एक नहीं कई सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। जीवा हेल्थ शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इस इशू को सही समय पे डील नहीं किया गया तो ये कई सीरियस हेल्थ इशू क्रिएट कर सकती है। क्या आयुर्वेद कॉन्स्टिपेशन और इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को दूर कर सकता है? क्या कॉन्स्टिपेशन का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है आयुर्वेद में? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। जी हाँ, वो है डॉक्टर चौहान जी। वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो डॉक्टर चौहान। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ स्टमक, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अगर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, प्लीज कॉन्टैक्ट नाउ, आपको ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा। जीवा सेहत का नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान, कॉन्स्टिपेशन से जुड़ा मेरा एक क्वेश्चन है कि ये समस्या लोगों को आखिर क्यों होती है और जीवा आयुर्वेद इसका क्या ट्रीटमेंट देता है? देखिए, सबसे पहले तो अच्छा विषय है। अच्छा इसलिए है क्योंकि कब्ज को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। कब्ज एक बहुत गंभीर और खतरनाक रोग है। जरा ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। खतरनाक इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में हर रोज बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। जब हम खाना खाते हैं, खाना पचता है, पचने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। आयुर्वेद में इनको मल कहते हैं। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये शरीर में अधिक समय तक नहीं रहने चाहिए। अगर शरीर में ये 24 घंटे से ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर में वो ब्लॉकेज पैदा करेंगे, पॉल्यूशन पैदा करेंगे, दूषित करेंगे शरीर। इसलिए 24 घंटे में एक बार मोशन जरूर आना चाहिए, और नहीं आएगा तो आगे चल के बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, कैंसर तक भी हो सकता है। बहुत सारे कैंसर के पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं, जब हमने उनका रूट कॉज एनालिसिस किया तो वो कब्ज निकला। और इसीलिए जो है हम आपको बार बार ये समझाते रहते हैं कि पेट को आपको ठीक रखना है। और जीवा में हम यही करते हैं कि कोई भी जब रोगी आता है तो उसके पेट को भी ठीक करते हैं, उसकी कब्ज या डाइजेशन जो भी प्रॉब्लम है उसकी। पिछले 3 साल के अंदर अगर हम देखें तो कॉन्स्टिपेशन के 80,015 पेशेंट हमने जीवा में देखे। और खुशी की बात यह है कि 90% लोगों को 2 महीने के अंदर आराम आता है। क्या वजह है इसका? वजह यह है कि हम रूट कॉज को ठीक करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि पिछले 3 सालों में आपने देखा है जीवा क्लिनिक्स में 80,000 के करीब पेशेंट आए हैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को लेकर। तो अगर हम इस पूरे के पूरे डेटा को देखें तो टॉप 5 रीजंस क्या हैं कॉन्स्टिपेशन के? देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा है, क्योंकि हम तो कारण की बात करते हैं और कारण जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आपका रोग ठीक नहीं होगा। तो आयुर्वेद के अनुसार जब हम कोई भी रोग की बात करते हैं तो आमतौर पर 2 चीजें हम आपसे हमेशा शेयर करते हैं कि रूट कॉज में 2 चीज होती है, गलत आहार और दूसरा गलत विहार, यानी कि गलत टाइप का डाइट और गलत टाइप का जीवन शैली या लाइफस्टाइल। ये मुख्य कारण होते हैं। इम्प्रॉपर फूड और इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो हमारी जो आंतों का जो अंदर का जो पूरा सिस्टम है, आंतों में कमजोरी आ जाती है कई बार गलत खाने पीने से। दूसरा, आम बनता है, अगर भोजन पचेगा नहीं तो आम बनेगा, वो आम जमा हो जाता है, उसके कारण आपने सुना होगा कई बार कहते हैं कोलाइटिस हो गई है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई है। या वात अगर बढ़ेगा तो उसमें आपको अंदर सूखापन होगा, ड्राइनेस हो जाएगा। कुछ लोगों को बहुत हार्ड स्टूल होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस अंदर हो जाती। तो अगर हम डेटाबेस को देखें अपना, जैसा आपने पूछा कि डेटा के आधार पर हम देखें तो 42% ऐसे पेशेंट हैं डेटा में हमारे, जो टोटल पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के, जिनको के गलत भोजन के कारण जो है
उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ 42%, बहुत बड़ा जो है कि ये कारण समझ लीजिए। 27% ऐसे लोग हैं जो कि गलत लाइफस्टाइल के कारण उनको ये कॉन्स्टिपेशन हुआ, ये हमारा पूरा डेटा आपको हम दिखा रहे हैं। और 14% ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री कुछ ना कुछ है, आजकल उसको कई बार जेनेटिक बोल देते हैं कि घर में आपके कोई हिस्ट्री है तो आपको भी हो रही है। सुन लीजिए ध्यान से, 11% लोग वो थे जिनको मानसिक तनाव एंग्जाइटी, तो अगर आप तनाव करते हैं एंग्जाइटी करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, आपको भी कब्ज हो सकती है। और 6% वात प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, मैं प्रकृति की बात बार बार करता हूं कि हर प्रकृति का जो व्यक्ति है उसकी कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके अंदर कुछ खास गुण होते हैं। वात क्योंकि ड्राइनेस करता है तो अगर आपकी प्रकृति वात है तो वो कब्ज भी कर सकता है। जीवा में जब भी कोई कंसल्टेशन होती है तो उसका जो है एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर उसी समय बनाता है, फिर वो जो है हमारी फार्मेसी में जाता है प्रिस्क्रिप्शन, वहां पर वो चीजें आपको मिला करके दी जाती है। और यही है शुद्ध आयुर्वेद, यही है जीवा का काम करने का तरीका। जी दोस्तों, अगर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं तो जीवा सेहत के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल करके अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज आयुर्वेदा ही है सही आयुर्वेदा। नोट कीजिए सेहत का नंबर जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। और अब वक्त हो गया है हमारे वीडियो कॉलर से जुड़ने का, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे कॉल्स आते हैं डॉक्टर, और उनके सवाल हमारा काम लेने है, जरूरी है, उनकी बात सुनना है, उनका समाधान बताना है। जी तो सुनते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर चौहान, मेरा नाम तरुण दीपक है, मैं मंडी डबवाली सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ। और मुझे पिछले एक साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिसका मुझे कोई भी परमानेंट हल नहीं मिला। मैं इस समय के दौरान काफ़ी तकलीफ में रहा हूं और अब मैं पिछले 15 दिनों से जीवा आयुर्वेद की मेडिसिन ले रहा हूं। इस दवा से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है और मैं पहले से काफ़ी ठीक हूं, पर मैं इस समस्या का कोई परमानेंट इलाज चाहता हूं। जी देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो शब्द आपने बोला है बहुत गंभीर बीमारी है, और 15 दिन में आप रिलीफ महसूस कर रहे हैं, इतनी उम्मीद तो हमें भी नहीं होती, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ वेरी डिफिकल्ट डिजीज। और आज हमारा टॉपिक जो है वो कब्ज का है, कॉन्स्टिपेशन का है। हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि कब्ज को हल्के में मत लीजिए, कॉन्स्टिपेशन जब रहेगी आपके, जब दोष शरीर के अंदर ही रहेंगे, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, तो आंतों में आम जमा होगा, सूजन होगी, सूजन होके वहां अल्सर बन जाते हैं। घबराइए नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मेरा काम डराना नहीं है, मेरा काम है आपको एजुकेट करना, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है सतर्क जरूर रहना चाहिए। आप सही जगह जुड़ गए हैं, आपका इलाज भी शुरू हो गया है, 15 दिन में आपको रिलीफ भी आ रहा है। केवल इतना निवेदन है कि दवाई मत छोड़ना, कम से कम 1 साल, ये मेरी बात आप लिख लीजिए, 1 साल तक दवाई जरूर खानी है। बीच में हो सकता है आप ऐसा महसूस करें कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन ये रोग जो पुराने होते हैं, इनक्योरेबल डिजीज जो होती हैं, ये बाद में फिर दोबारा से रिलैप्स हो जाते हैं कई बार। और छाछ इसमें बहुत अच्छी रहती है, जिसको हम मठा बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, तक्र बोलते हैं आयुर्वेद में, छाछ जरूर पिए, पतली सी छाछ बनाए, उसमें भुना हुआ जीरा डाल करके, थोड़ा सा चाहे तो ये ताज़ा पुदीना और ताज़ा हरा धनिया पीस करके वो भी मिला सकते हैं, बहुत अच्छी है पेट के लिए, कोलाइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत फायदा करती है। बिल्कुल डरना नहीं है, माइंड को पॉजिटिव रखना है और अपना प्रॉपर उपचार करते रहिए, डॉक्टर से बने रहिए कॉन्टेक्ट में, किसी तरह की कोई भी समस्या हो तुरंत हमारे डॉक्टर से बात करिए, वो आपको उचित सलाह देंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं अपने दर्शकों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। जी दोस्तों, अगर आज आप टीवी देखते हैं तो आप बहुत सारे एड जरूर देखते होंगे आयुर्वेद के ऊपर, मगर वो सारे सही हैं ऐसा नहीं है। आपको हम बता दें कि ऑथेंटिक आयुर्वेद आप अपनाएं, पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। आप सेहत का नंबर डायल कर सकते हैं जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन है, और वीडियो कॉल करके अपने पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नोट कीजिए सेहत का नंबर। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ये जो टॉपिक है ये हम ऑलमोस्ट सारी बीमारियों में लेकर आते हैं, वो है पंचकर्म। हाँ जी, हाँ जी। अब पंचकर्म और पेट के रोग का क्या कनेक्शन है? देखिए, पंचकर्म को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ आपको।
पंचकर्म जो है वो आयुर्वेद में इसको बोलते हैं शोधन चिकित्सा। जरा ध्यान से सुन लीजिए, जब बढ़े हुए दोष वात पित्त कफ जो हमारे दोष हैं वो डीपर लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वहां केवल इंटरनल मेडिसिन जो हम आमतौर पर दवाइयां देते हैं उससे पूरा काम नहीं होता, पूरा आराम उससे नहीं मिलता है। तो ऐसी अवस्था में पंचकर्म हमको करना पड़ता है। और पंचकर्म चिकित्सा में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जो दोष बॉडी के जगह जगह डीपर लेवल पर चले गए उनको वापस लाने के लिए क्या करते हैं, इंटरनल स्नेहन, उसमें कई बार आपको मेडिकेटेड घी पिलाया जाता है, बाहर से मालिश की जाती है, साथ में स्टीमिंग स्वेदन, स्नेहन और स्वेदन, ये इनको पूर्व कर्म हम लोग बोलते हैं। ये जब आपकी प्रिपरेशन हो जाती है और जो दोष डीपर लेवल पर पहुंच गए थे, रुके हुए थे, वो वापस आपके गट के अंदर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में आते हैं तो वहां से फिर उसको निकालना इजी होता है। आइदर अगर पित्त है तो उसको विरेचन यानी कि एक दवाई देते हैं जिससे आपको एक दिन थोड़ा दो तीन घंटे लूज मोशंस लगते हैं, या एक दवाई देंगे तो वमन कराएंगे, आपकी वोमिटिंग से सारे गंदगी बाहर निकलेगी। और कभी कभार एनिमा बस्ती भी देना पड़ता है, स्पेशली अगर वात का प्रकोप हो तो उसमें एनिमा दे दिया जाता है। और सारा काम जो है जीवा में हमारे पंचकर्म के जो एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हमारे जो एक्सपर्ट क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स MD डॉक्टर्स होते हैं और उसके साथ साथ जितने हमारे थेरेपिस्ट हैं, ये पूरा प्रोसीजर उन्हीं की गाइडलाइन में आप करते हैं, उनकी गाइडेंस में होता है। और कहाँ होता है, जीवाग्राम में मुख्य रूप से हम करते हैं, हमारी क्लिनिक्स में भी पंचकर्म होता है। जीवाग्राम तो आपको मालूम है हरियाणा का पहला NABH एक्रेडिटेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, सभी चिकित्सा एक प्रोटोकॉल के माध्यम से वहां पर की जाती है। और यदि किसी भी तरह की कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम आपको है, ये कब्ज की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी किसी तरह की भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो मैं आपको जरूर ये एडवाइज करूंगा कि पंचकर्म आपको करना चाहिए, क्योंकि जो पुराने रोग हो जाते हैं जिनको ये कह दिया जाता है कि इनक्योरेबल है ये रोग, वहां पंचकर्म बहुत अच्छा काम करता है। और अब तो जीवा में हमने आपको बताया कि हमने एक बनाया सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज, हमने नाम ही इसका रख दिया सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज, जिसमें हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर्स का एक पैनल होता है, वो सब जो है आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। आप कांटेक्ट करिए और किसी भी तरह का रोग हो हमारे डॉक्टर्स आपके साथ हाजिर हैं। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के निदान के बारे में, प्रिवेंशन और परहेज के बारे में। आयुर्वेद जो कि एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है, वो कैसे गंभीर से गंभीर कॉन्स्टिपेशन में लोगों की हेल्प कर सकता है, इन तमाम जानकारियों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू द जीवा हेल्थ शो, मैं हूं शिफाली और डॉक्टर चौहान भी हैं हमारे साथ। शुरुआती लक्षण आखिर क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, और हमें कब ऐसे पता चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन गंभीर रूप अब लेता जा रहा है? देखिए, शुरुआती लक्षण, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, कई बार लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि उनको कब्ज हो चुकी है। तो शुरुआती लक्षण कब्ज के मैं बता देता हूं कि अगर कब्ज वात के कारण हुआ है तो हार्ड स्टूल्स आएंगे, आपको थोड़ा मोशन क्लियर नहीं होगा और मुश्किल से थोड़ा सा आपको एक बार स्ट्रेनिंग करना पड़ता है। अगर पित्त के कारण है तो आम बनेगा, वहां पर थोड़ा सा लूज स्टूल होगा, एक बार में क्लियर नहीं होगा, कई बार आपको दो तीन बार जाना पड़ता है सुबह ही। और अगर कफ के कारण होगा तो उसमें भी थोड़ा म्यूकस फॉर्मेशन होता है और मोशन पूरा क्लियर नहीं होता है। तो ये कब्ज के शुरुआती लक्षण है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये कोई भी लक्षण आपको आता है, एक आइडियल क्या होना चाहिए बावल मूवमेंट वो भी मैं बता दूं, सुबह जब आप सो के उठते हैं, उठते ही आपको प्रेशर बने और तुरंत जो है जितना भी आपका पिछले दिन का जो वेस्ट मटेरियल था दैट शुड क्लियर इन वन गो, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आधा घंटा नहीं बैठना है। कुछ लोग तो मोबाइल लेके बैठते हैं आजकल, पहले अखबार लेके बैठते थे, आजकल मोबाइल लेकर बैठते हैं लोग, तो वो मैक्सिमम 3 से 5 मिनट में क्लियर हो जाना चाहिए, दैट इज एन आइडियल बाउल मूवमेंट। और फिर उसके बाद पेट आपका साफ, शरीर हल्का, आपका दिमाग हल्का, यू फील गुड, यू फील वेरी एक तरह से चुस्ती फुर्ती आपके अंदर होती है, तो इसका ध्यान रखना है। और अगर समस्या रहती है छोटी मोटी समस्या के लिए, तो जीवा का मुक्ति चूर्ण बहुत बढ़िया है, जीवा का त्रिफला चूर्ण भी मिलता है, टेबलेट्स भी मिलती है। पाचन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो डाइजेस्टॉल तो बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है। ये चीजें आपके घर में होनी ही चाहिए। डॉक्टर साहब, हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सबको पता है बिल्कुल।
अब कॉन्स्टिपेशन के प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए बहुत सरल छोटी छोटी सी चीजें हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, रात का खाना लेट नहीं खाना है। रात को जितना जल्दी खा सकें, 6 बजे खा सकें, 7 बजे 8 बजे तक तो खा लेना चाहिए, उसके बाद नहीं। और लाइट खाना है रात को, लंच शुड बी योर मेन मील। और एक भोजन में जो है, जब खाना खाते हैं आप, कोई भी खाना खाएं, बहुत सारी डिशेज मत खाइए, स्पेशली हैवी चीजें। और खाना जो 2 मील्स होते हैं उसके बीच में एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। बीच में ऐसा नहीं कि कुछ भी खाते रहें, कभी कोई स्नैक्स चल रहा है, कभी ब्रेड चल रही है, कभी नमकीन, ये गलत आदत है। और जीवा के प्रोडक्ट्स तो आपको मैं बार बार बताता हूँ, डाइजेस्टॉल है, मुक्ति चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला टेबलेट्स हैं, बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ड्राइनेस रहती है ना अंदर, तो जीवा का एलोवेरा जूस और आंवला जूस, ये भी आप साथ में पियेंगे तो अंदर आंतों को शक्ति भी मिलेगी और आपकी कब्ज भी दूर होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर चौहान, आपने इतना कीमती समय निकाला और इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी। आई एम श्योर हमारे सभी व्यूअर्स ने नोट डाउन कर ली होंगी जिनको भी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेशन या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नजदीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वीडियो कॉल करके पर्सनलाइज इलाज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। व्यूअर्स, अगर आप कॉन्स्टिपेशन या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नजदीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेदा ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88-60-10-40-40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। चलिए अब अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत इस थॉट के साथ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और एक बात अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई इलाज या दवाई ना ले। जीवा आयुर्वेद से जुड़िए और एंजॉय कीजिए एक खूबसूरत जिंदगी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। अपनी सेहत का ख्याल रखें, टेक केयर।